अलग लैंग्वेज में उन्होंने कहा है कि किसी के बाप में हिम्मत है तो उनको रोक के दिखा ले। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस भाषा का इस्तेमाल ये लड़की करती है, भाषा का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, महिला का सम्मान करते हैं। संजय राव जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? आप एक सरकारी मुलाजिम है, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान नाक मुंह कान जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भोंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। मुझे लगता है इसी व्यक्ति को उसके बाप को यहाँ लेकर आना पड़ेगा। आपका भी बाप दिखाइए, अगर बाप है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी, उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। उसने महाराष्ट्र का अपमान किया है, मुंबई पुलिस का अपमान किया है। मैं उनकी निंदा करती हूँ संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ। आप महाराष्ट्र नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और आपने मेन थ्रेड दिया। देखिए, मैं ये फालतू थ्रेड बिट हम देते नहीं, ये धमकियां विमकियां देना फालतू, ये मेरा काम नहीं है। हमको जो करना हम कर देंगे। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ेंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो?